अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज़ है। मैंने अपने घमंड में बहुत दिल तोड़े हैं, सबसे ज्यादा आपका दिल दुखाया है, माफ कर दीजिए। आखिर में मारना सुलेमान शाह को, मैं चाहता हूं इन सब की मौत का मंजर देखे। हलीमा सुल्तान नहीं जा रही, ये यहीं रहेगी। नहीं, क्या ऐसा नहीं हो सकता? हलीमा, अगर तुम्हें ऐसी हर जगह का इल्म है तो फिर तुम्हें संदूक का भी मालूम होना चाहिए। बंद करो अपनी बकवास, वरना यकी तो तुम भी जान से जाओगे। काम हो गया? हो गया, वो मर चुके हैं। सब कुछ बताओ मुझे, तफसील जानना चाहता हूं मैं। उन्होंने जंजीरों को जिनसे उनके हाथ पैर बंधे हुए थे तोड़ने की कोशिश की, और फरार होना चाहा वहां से, लेकिन बच नहीं पाया उनमें से। बहुत खूब, और वो सिपाही? मार दिया सबको, तमाम जंगजुओं को और उस्ताद आजम के सलीबियों को भी, किसी को नहीं छोड़ा मैंने, सबको मार दिया। यानी सुलेमान शाह की ताकत का खात्मा हो गया, किस्सा बन गया माजी का। सलीबी सिपाहियों का जिक्र ना करना किसी से। जो आपका हुक्म सरदार। अयान, कोई आवाज सुनी तुमने? नहीं, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। तुम आगे जाओ, मैं देख के आता हूं। अयान, खुद को खतरे में मत डालना। अर्तुरुल भाई,
आयान कैसे हो तुम? खुदा का बहुत शुक्र है भाई, लेकिन सुलेमान शाह को शैतान ने कबीला बदर कर दिया है। मालूम है। एक काम करोगे मेरा आयान? जान भी हाजिर है आपके लिए भाई, सुलेमान शाह और आपके लिए तो कुछ भी कर सकता हूं मैं। बहुत शुक्रिया। कुर्दोगलू के पास जाओ और उसे बताओ कि अर्तुरुल का यह फैसला है कि वो खुद को तुम्हारे हवाले करने पर तैयार है, लेकिन मेरी एक शर्त मानना होगी। वो जिरगा बुलाएगा और कबीले के मुअज्जिज़ीन के सामने खुद को पेश करेगा और सबकी मौजूदगी में मुकदमे का सामना करेगा। अगर जुर्म साबित हो गया तो उसे इख्तियार होगा सर कलम करते मेरा। भाई आप ये क्या कह रहे हैं? उसने बाबा की सरदारी शैतानों की मदद से छीनी है। मैं अल्लाह को मददगार बनाकर ये सरदारी लूंगा उससे। ये ख्वाहिश है मेरी। हलीमा से किसी भी तरह उगलवाना है, कोई भी तरीका इस्तेमाल करो तुम। संदूक के बारे में जानना है मुझे। जैसा आप चाहे। और हाँ, हलीमा सुल्तान के पास इसी हालत में जाना ताकि उस पर यह देखकर खौफदारी हो जाए। तैयारी मुकम्मल है, रवानगी का हुक्म दे। सिपाहियों की लाशें ले आओ कुतलू, हम उनके जनाजे पढ़ के पूरे एजाज के साथ दफनाएंगे और उनके लिए कुरान खानी भी करेंगे। उनके लवायकीन से ताजियत करेंगे ताकि वो मुझे अपना सरदार मान लें और भूल जाएं अपने प्यारों के गम को। सुलेमान शाह से जान छुड़ाकर मैंने उनकी जो मदद की उस पर एहसान मंद रहे मेरे। और बाकी लाशों का क्या करना है? सुलेमान शाह और उसके खानदान की, देली दमीर उसकी बेटी की, उन सबकी लाशें गीदों के लिए छोड़ दो वहीं, ताकि उनकी लाशों से किसी को तो फायदा पहुंचे। दुर्गत आओ मेरे साथ। सरदार सुलेमान शाह बहुत अच्छे थे, पता नहीं ये कहां से आ गए। खुदा गलत करे इनको, लानत हो इनकी जिंदगी पे। ये सारी हरकतें उस कुर्दोगलू ने की है। पता नहीं हमारे सरदार सुलेमान शाह किस हालत में। अल्लाह रहम करे। बहरहाल इन्होंने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। कैसा जुल्म किया है इसने? बहुत बुरा किया है, सुना है पूरे खानदान को मार दिया है। अल्लाह गलत करे इन लोगों को, बेगुनाहों को मार दिया। क्या आप लोगों को मालूम है उन बिचारों के पास तो तलवारें भी नहीं थी। हमें तो पहले इस बात का डर था, कबीले को बर्बाद कर दिया इसने। चलो जाओ यहाँ से, मजबा ना लगाओ, खाली करो ये जगह। कोई काम वाम नहीं है क्या? चलो अपना अपना काम करो, जाकर जाओ यहाँ से। हमें तो पहले ही डर था कुर्दोगलू उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है उसने, खौफ की वजह से किया उसने। बहुत बुरा हुआ, देखना उस जालिम पर खुदा का अजाब आएगा। जुल्म की इंतहा कर दी उसने, मर्दों के साथ साथ औरतों को भी मार दिया। अरे सिपाही आ रहे, खामोश हो जाओ। वो लोग आ रहे हैं। Thank you.
कुर्दोगलू का खास बंदा है ये कुतलू। हम चलते हैं, तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ आया। आप बेफिक्र हो जाएं भाई, जिरगे वाले दिन मेरी नशिस्त के नीचे तलवार रख देना, जरूरत पड़ सकती है। समझ गए भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह मदद करे तुम्हारी। आपकी भी। जब तक तुम संदूक के बारे में नहीं बताओगी, तुर्गत तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा। सुलेमान शाह और उसके खानदान की मौत के बारे में ये तुम्हें तफसील से बताएगा कि किस तरह इसने उन्हें मारा। अल्लाह का अजाब नाज़िल होगा तुम सब पर। बेहतरीन दोस्त है तुम तो, जान कुर्बान करते थे, हर जंग में उसके साथ रहे, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? कैसे उन मासूमों की जान ले ली तुमने? तुम्हें भी मार दूंगा हलीमा सुल्तान। संदूक कहाँ है बता दो। कुछ भी कर लो नहीं बताऊंगी। अगर अर्तुरुल इस दुनिया में नहीं तो मेरे जीने का भी कोई मकसद नहीं। मुझे मारकर मुझ पर एहसान करोगे? अगर ये गीत का जर्रा बराबर भी एहसास है तुम्हें तो बकवास बंद करो अपनी। ये कभी मुझे और ये गीत को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर ये गीत जिंदा भी है तो उसका हश्र भी बाबा जैसा होगा, उसका मर जाना ही बेहतर है। लेकिन मैं तुम्हें एक लफ्ज भी नहीं बताऊंगी। सुनो तुर्गुत, इससे किसी भी तरह तुम्हें उगलवाना है। शाम से पहले खुशखबरी चाहिए मुझे। सरदार, कहो क्या बात है? अर्तुरुल ने आपके लिए पैगाम भिजवाया है। क्या बकवास कर रहे हो? अर्तुरुल कहां मिल गया तुम्हें? बताओ मुझे कहां मिला वो? सरदार, मैं मामूल के गश्त पर निकला था कि अचानक से उन लोगों ने हम सबको घेरे में ले लिया। हो ही नहीं सकता ऐसा, मुमकिन ही नहीं। जानते भी हो कि क्या कह रहे हो तुम? सरदार, वो बहुत गुस्से में था, गर्दन पे खंजर रख दिया था। रुक क्यों गए? तफसील बताओ मुझे, क्या चाहता है वो? हलीमा चाहिए? नहीं जनाब, आपसे जिरगे में बात करना चाहता है वो। है? ना ही तुमसे और ना ही उस कमज़ोर कुर्दोगलू से डरती हूं मैं।
बाहर जाओ तुम लोग। मगर भाई, मैंने कहा बाहर जाओ, जाओ। मैं हरगिज गद्दार नहीं हूं। मैंने अपने आबा व अजदाद के नाम से हरगिज बगावत नहीं की। जो खून बहा है वो राय का नहीं जाएगा। ये कुर्बानियां आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी का बायस होंगी। इसी सरजमीन पे अपनी सल्तनत कायम करेंगे। अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ। आपने बुलाया था मुझे? खामोशी के साथ सलीबी किले की जानिब रवाना हो जाओ। अर्तुल जिंदा ही खबर दो उन्हें जाकर। जो आपका हुक्म सरदार। जल्दी जाओ फौरन। ठहरो जरा। अयान के पीछे अपना कोई आदमी लगा दो। मुझे लगता है वो कोई चाल चल रहा है हमारे साथ। नजर रखनी तुम्हें उस पर। ये मनुष्य सलीबी तो बिल्कुल नाकारा निकले, जो सुलेमान शाह के मामूली से बेटे को ठिकाने न लगा सके। खैर, मैंने उसके लिए बहुत भयानक मौत सोच रखी है। मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ काराबुदक। कबीले के लोग कश्मकश में है हुजूर। सिपाही भी बेचैन है। मुसलसल चैमाकोइयां हो रही हैं कि जिरगे के फैसले की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। लोगों को मुतमईन करना होगा सरदार, वरना अंदेशा है कि खून खराबा हो जाएगा। इन हालात से घबराओ मत कारबुदक। मैं जानता हूं कि क्या करना है। मौजज़ीन को पैगाम भेजो, जोहर के बाद सब औताक में आ जाएं। जैसा आपका हुक्म। क्या कर रहे हो यार? जान प्यारी नहीं है तुम्हें? मैं अर्तुरुल भाई का पैगाम लाया हूं आपके लिए। कहां गए इन बदबख्तों की लाशें?
सुलेमान शाह, क्या हुआ? हमें देखकर होश उड़ गए तुम्हारे? चलो देख क्या रहे हो, हमला करो इन लोगों पर, मार डालो सबको, एक भी ना बचने पाए, जल्दी करो। इन बच्चों को गुमराह मत करो कुतलू, वार करना है तो हिम्मत करो। अब मैं तुम्हारा ऐसा हशर करूंगा कि इबरत का निशान बन जाओगे। या अल्लाह। माफ कर दे सुलेमान शाह। अगर आज तुम्हें माफ कर दिया मैंने तो जालिम और मजबूत हो जाएगा और शहीदों के वारिस हमें माफ नहीं करेंगे। इसकी लाश को यहीं गिदों के लिए छोड़ देना ताकि हमारा दुश्मन जान जाए कि गद्दारों का क्या अंजाम होता है। अर्तुरुल के बिना मेरी जिंदगी की हैसियत नहीं कोई, मार दो मुझे भी। अर्तुरुल भाई ने सलाम कहा है आपको, वो सब ठीक है, आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुर्कत, ये सब कैसे हुआ? बस थोड़ा सब्र करें हलीमा बहन, अर्तुरुल भाई हमें और कबीले को जरूर बचा लेंगे।
जाओ, यहीं रुकेंगे हम। हमारी औरतों को मत मारना, जुल्म है ये, गुनाह है। Yeah.
भाई। शाबाश। हलीमा कहाँ है बाबा? कुर्दोगलू ने कबीले में रोक लिया उसे। तुर्कुत, ठीक हो ना तुम? पापा तुर्कुत को देखे क्या हो रहा है? तुर्कुत, 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 क्या हुआ तुर्कुत? क्या हुआ तुम्हें तुर्कुत? तुर्कुत, तुर्कुत, कोई पानी लेकर आओ उसके लिए। तुर्कुत, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुर्कुत? तुर्कुत, मुझे कबीले जाना होगा फौरन। जल्दबाजी मत करो अर्तुरुल, पहले अच्छी तरह सोच लेने दो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कुंदुक, तू दुरुस्त कह रहा है, हमें हिकमत से काम लेना पड़ेगा, और इस वक्त हम कमजोरी नहीं दिखा सकते इस फितने की सरकोबी के लिए। जज्बात पे काबू रखना होगा फरजन। कैसी तबीयत है अब? बेचैनी बहुत ज्यादा है बेटा। जब ये कैद में था, कुर्दोगलू सलीबियों से इसके लिए कोई शरबत लाया था। इसने बहुत कोशिश की कि ना पिए, लड़ता रहा अपने आप से। बस एक बार मेरे हाथ लग जाए, फिर देखे मैं क्या करता हूं उनके साथ। तुर्कुत, अर्तुरुल भाई, लेटे रहो आराम से। कबीले को बचाना बहुत आम है भाई, शायद मैं जिंदा ना रहूं, लेकिन मरने से पहले अपने कबीले के लिए कुछ करना चाहता हूं मैं। मेरे तुर्कुत की मदद फरमा, उसे हिम्मत और इस्तकामत अता फरमा। आई किस, तुम्हारी शहादत मेरे लिए शर्फ होगी। तुम्हारे अलावा मैं किसी की नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी यादों के सहारे जीलूंगी, लेकिन इस वक्त तुम्हें हिम्मत करनी है, कबीले का सहारा बनना है। मैं उस शैतानी शरबत से तुम्हारी जान छुड़ाऊंगी, और तुर्कुत तुम्हें मेरा साथ देना होगा, हिम्मत करनी होगी तुम्हें उससे छुटकारा पाने के लिए। तुर्कुत, तुम समझ गए ना? तुमसे वादा करता हूं, हिम्मत नहीं हारूंगा मैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा।
या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। आपको हौसला रखना होगा हलीमा सुल्तान। इसमें बहुत खतरा है दुर्गत। अर्तुरुल के सिपाही भी कम है और तुम्हारी भी हालत ठीक नहीं। हमारे पास कोई और चारा नहीं। अर्तुरुल भाई ने आपके लिए पैगाम भेजा है। बेफिक्र हो जाए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम लोगों की मदद फरमाए। तुर्कुत, तुर्कुत, तुर्कुत। घबराए नहीं, मैं ठीक हूं। चलो यहां से। और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। कुर्दोगलू इसी धोखे में रहेगा कि हम लोग मर चुके हैं और इसी में हमारी कामयाबी है। अगर कुर्दोगलू को पता चल गया कि हम जिंदा हैं, तो ना ही अर्तुरुल बच पाएगा और ना ही दुर्गत। भाई ठीक कह रहे हैं बाबा। कुर्दोगलू हकीकत जाने उससे पहले हमें कुछ करना होगा। उसे जिरगा बुलाने पर राजी करना जरूरी है। अगर उसने कबूल ना किया तो फिर हमें सारे ओवोस कबाइल से बात करके उनके सब जंगजुओं को जमा करना पड़ेगा, क्योंकि जंग के अलावा और कोई चारा नहीं हमारे पास। जिन्होंने ये जंग मुसल्लत की है उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। तुर्कुत अगर किसी तरह जिरके में कुर्दोगलू का मकरू चेहरा बेनकाब कर दे तो जिरका यकीनन कुर्दोगलू की साजिश के बरखिलाफ फैसला देगा। अर्तुरुल ने सही कहा, बिल्कुल जंग मुसल्लत करने वालों का अंजाम प्रतनाक होना चाहिए। सबसे बड़ी परेशानी तुर्गुत की बीमारी है। अर्तुरुल, तुर्गुत का तुम्हें बहुत ख्याल रखना होगा। बिल्कुल भाई। सरदार, अर्तुरुल का आसपास पाया जाना अच्छी अलामत नहीं है। परेशान है हर कोई, बहुत खौफजदा है सब लोग के न जाने अब क्या होगा। सुलेमान और उसका खानदान खत्म हो चुका, और तुम अभी भी अर्तुरुल और उसके जंगजुओं की आमद लाने से परेशान हो। तुम भूल गए शायद इस रास्ते का चुनाव हमने कबीले की खुशहाली के लिए किया है। उस बज़ात अर्तुरुल से अगर अभी भी खौफजदा हो तो फिर कैसे मुअज़्ज़ज़ बनोगे कबीले में? तुम्हारी मर्दानगी देख ली मैंने। तुम में से कोई और है जो इसकी तरह सोचता है? कोई है तो बताओ मुझे। नहीं सरदार। अर्तुरुल जिरगे में बात करना चाहता है। शौक से आ जाए, देखते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। उसका हर इल्जाम और उसका हर झूठ बेनकाब करके मैं उसको मौत की नींद सुला दूंगा। तुम्हें भी मैं आखिरी मौका दे रहा हूं शहजादे साहब। कार्डिनल थॉमस के साथ कुस्तुनदुनिया चले जाओ शराफत से, वरना ईजा दौरा वाला हश्र होगा तुम्हारा।
हलीमा सुल्तान की जुबान खुलवाने का एक तरीका सोचा है मैंने, उसको तुम कबीले से कुछ दूर लेकर जाओगे। तुर्कत, तुम्हें मैं सरदार ही नहीं मानता कुर्दोगलू। अगर सरदार मान लिया तुम्हें तो उस कबीले के अजदाद की तौहीन होगी।